नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पेट्स डॉग भव्य पे। तो फीमेल मीट करवाई आपने और एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि आपकी फीमेल ने कंसीव करा या नहीं करा। तो कैसे जानोगे आप कि आपकी फीमेल ने कंसीव करा या नहीं करा? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि जो चेंजेस मैं बताता हूँ अगर वो आपकी फ़ीमेल में हो रहे हैं तो आपकी फ़ीमेल कंसीव हो जाएगी। देखिए, अर्ली प्रेगनेंसी को पहचानना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। उसको एक जो ट्रेंड आदमी तो होता है जो कि एक्सपीरियंस वाला हो वो बहुत जल्दी पहचान लेगा, मगर जिस भाई के पास एक्सपीरियंस ना हो उसको पहचानना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर आपकी हम सहायता करने के लिए बैठे हैं। तो मैं आपको कुछ साइन बताऊंगा जो कि अगर आपने फ़ीमेल को कंसीव कराया है अंडर 10 और 15 डेज़ के, आप उसको बाकायदा पता लगा सकते हैं कि फ़ीमेल ने आपके कंसीव कराया या नहीं करा। तो देखिए, सबसे पहला जो साइन होता है वो होता है वेट गेन। जब भी आपकी फ़ीमेल जो कंसीव करेगी, सबसे पहले आपने मीटिंग करवाई तो सबसे पहले काम करिए, मीटिंग के दौरान जब आप उसे डिवॉर्मिंग की दवा देते हो तीसरे दिन, तो उसका जो है वेट आप तीसरे दिन आपने डिवॉर्मिंग में वेट मेजरमेंट जरूर करा होगा, लेकिन जब आप मीटिंग करवाने जाते हो उस दिन या उससे एक दिन पहले आप उसका वेट ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। अगर फीमेल ने कंसीव कर लिया है तो 10 या 15 दिनों के बीच में उसका 1 या 2 kg के आसपास वेट इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा जो उसका सिम्टम्स होता है, बहुत साई हो जाती है, साई मतलब शर्माने लग जाती है। जो नॉर्मली कुत्ते होंगे आपके घर में, अगर और भी डॉग हैं तो उनके बीच में नहीं बैठेगी, पीछे जाके बैठेगी, छिप जाएगी, सोएगी या थोड़ा शर्माती हैं, तो ये भी एक उनका साइन होता है। तीसरा साइन होता है इंक्रीज एपिटाइट, मतलब उसकी जो भूख है वो बढ़ जाएगी। उसको अपने अंदर बच्चों को पालना है तो उसकी भूख 100% बढ़ जाएगी। तो ये इनका जो होता है तीसरा साइन। चौथा साइन, ये जो साइन जितने ही बता रहा हूँ इनमें किसी का कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। चौथा साइन है बहुत जल्दी थक जाएगी। आप उसको थोड़ा नॉर्मली उसको आप चलाओगे फिराओगे तो थक जाएगी, ठीक है जी। और उसके बाद जो इसमें पांचवा जो साइन आएगा वो पांचवा उसका साइन होता है चिड़चिड़ापन आना। उस फीमेल में बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है। और पाँचवा साइन होता है जो उसमें होता है, कई फीमेल को वॉमिटिंग लगती है। वॉमिटिंग लगेगी पहले कुछ वीक के लिए, 1 या 2 हफ्ते में के लिए वो वॉमिटिंग करेंगे, ठीक है जी। और इस दौरान आपको अपनी फीमेल का कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। ये मैंने आपको 7 टिप्स बताए हैं, उनमें क्या करना है। एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, आप उनके जिस दिन मीटिंग करवाओ निप्पल की एक फ़ोटो क्लिक कर लेना और आफ्टर 15 डेज़ आप उसको दोबारा को मैच करके देखना, आपको निप्पल में चेंजेस लग रहे हैं तो इसका मतलब आपकी फ़ीमेल कंसीव कर लेती है। और एक वाइट कलर का डिस्चार्ज भी फीमेल इस दौरान करती है। वाइट कलर का डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि आपकी फ़ीमेल ने कंसीव कर लिया है, उसका मतलब ये होता है कि जो आपकी फ़ीमेल है वो कंसीव करने के रास्ते पर चल पड़ी है। तो और इसकी बाद में डाइट का ध्यान रखिए, कैल्शियम मल्टीविटामिन ज़रूर दीजिए। देखिए, मैं बहुत से जने बोलते हैं सीढ़ी इग्नोर करिए, देखिए इग्नोर करिए कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपने फीमेल को कभी इग्नोर नहीं करवाता। उसे जहाँ जाना है आओ जाओ, कोई मैं मना नहीं करता। उसके बावजूद भी फीमेल जो है पप्पी देती हैं, मेरी ने अभी भी दिए हैं, पग ने भी दिए हैं, रॉटवाइलर ने भी दिए हैं। और हाँ, लेकिन आफ्टर 35 डेज़ या 40 डेज़ जब वो क्लियर हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आफ्टर 50 डेज़ में सीढ़ी पे चढ़ना उतरना उनका बहुत कम कर देता हूँ। कारण ये होता है कहीं पैर फिसल जाए, पेट में लग जाए तो चोट उन्हीं को लगेगी बच्चों को। तो ये मैंने आपको कुछ साइन बताए हैं, अगर आपकी फ़ीमेल में साइन शो होते हैं तो आपकी फ़ीमेल कंसीव कर लेगी। धन्यवाद।